हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रीनल ट्यूबल्स। रीनल कैपेस कल हम पढ़ चुके थे, अब रीनल ट्यूबल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो रीनल ट्यूबल्स होती है वो क्या क्या कंबाइंड होकर रीनल ट्यूबल बोलेंगे हम उसको। ट्यूबल्स होती है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैंडले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है उसका एंड जो होता है वो क्या होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है उससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो रीनल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रीनल कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है, ग्लोमेरुलस, यूरिनरी स्पेस। ठीक है, ग्लोमेरुलस आप बीच में देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे इसमें यूरिनरी स्पेस, ये जो आसपास की स्पेस दिख रही है उसको क्या बोलेंगे, यूरिनरी स्पेस। थर्ड पे आ रही है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल जा रही है जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो जा रही है। ठीक, वहाँ से आते हैं हम डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पर। ठीक है, उसके बाद ये क्या होती है, ये घूमते हुए मैक्यूल डेंसा बना देती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रीनल मेड्यूला में क्या क्या प्रेजेंट होता है। रीनल मेड्यूला जो होता है उसमें क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, लूप ऑफ हैंडले एंड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, लूप ऑफ हैंडले का थिन एंड थिक सेगमेंट्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उसमें एडिशनल डिटेल्स क्या है उसकी, रीनल ट्यूब्यूल्स की। ठीक है, तो जो जंक्शन होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का वो क्या होता है, कैप्सूल से, कैप्सूल का जो नैरो पार्ट होता है वहाँ से होता है। कैप्सूल जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल जो होता है उसका जो नैरो पार्ट होता है वहाँ से जुड़ा हुआ रहता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होती है वो इनिशियल पार्ट होता है। ठीक है, टर्मिनल स्ट्रेट पार्ट होता है, डिसेंड जो डिसेंड होता है। ठीक है, मेड्यूला में जाता है। ठीक है, और क्या होता है, मेड्यूला में जाकर क्या होता है, लूप ऑफ हैंडले से जुड़ जाता है। उसके बाद जो डिसेंडिंग लिंब होता है, ठीक है, द लूप इटसेल्फ एंड पार्ट ऑफ द असेंडिंग लिंब ऑफ द लूप हैंडले आर नैरो एंड थिन वॉल्ड। वो क्या होता है, जो असेंडिंग लिंब होता है लूप ऑफ हैंडले का वो क्या होता है, नैरो होता है एंड थीन होता है, उसकी जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, बहुत थीन होती है। ठीक है, और इसके जो लूप के जो लूप होता है उसके सेगमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत थीन होते हैं, उसमें थीन सेगमेंट होते हैं। और अपर पार्ट जो होता है असेंडिंग लिंब का वो क्या होता है, उसका डायमीटर क्या होता है, थिकर होता है। जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, थिक होती है, जिसे क्या बोलते हैं, थिक सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद हम डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल की बात करेंगे तो वो क्या होती है, स्ट्रेट होती है और जो कि असेंडिंग लिम्ब से जुड़ी होती है। लूप ऑफ हैंडले का जो असेंडिंग लिम्ब होता है उससे जुड़ी होती है। ठीक है, और जो कॉन्वोल्यूटेड पार्ट होता है इसका, घुमावदार पार्ट जो होता है वो क्या होता है, कॉर्टेक्स में होता है। ठीक है, और जो दोनों पार्ट का जो जंक्शन होता है वो क्या होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स में लाइज होता है और कार्पस्कल के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। नेफ्रॉन्स में जो कार्पस्कल होते हैं, रीनल कार्पस्कल, उनसे बहुत ज़्यादा अटैच होता है। और जिसका टर्मिनल पार्ट होता है कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का वो क्या होता है, वापस स्ट्रेट हो जाता है और इस पार्ट को क्या, जंक्शनल ट्यूब्यूल या कनेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, जो कि कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, थैंक यू।